राहुल सर एंड तिग्मांशु सर दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती लेकिन 2010 में शुरुआत की। तिग्मांशु सर क्योंकि माइक आपके पास है, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली। हर डायरेक्टर चाहता है कि वो हर तरीके की फिल्म बनाए इन द करियर, अलग अलग जॉनर्स अटेम्प्ट करे, लेकिन फिर भी कुछ तो बात है इस साहेब बीवी और गैंगस्टर के फ्रेंचाइज में कि यू रिटर्न एवरी सिंगल टाइम टू दिस फिल्म। और अब इन ऑलमोस्ट 8 years, 2010 शुरुआत हुई थी, 2011 में फिल्म आई, 8 साल में इसका तीसरा पार्ट आ गया है। What is this love for Sai Bibi or Gangster that you want to come back and direct a new part? ये बिल्कुल इत्तेफाकन हुआ, इसके पीछे कोई planning या कोई बहुत बड़ा सोच नहीं थी। वो ये हुआ कि जब पहली वाली फिल्म बनी, जिस तरह से एंड हुई, एंड था स्क्रिप्ट में कि वो माही बोल जिमी बोलता ये आदमी कौन है, मेरा नया ड्राइवर, नए ड्राइवर के साथ एक शुरू हुआ उसका, तो वो स्क्रिप्ट में था, वो हो गया। और जब वो चल गई पिक्चर तो हमने कहा यार ये बड़ा एकदम कहानी खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे, इसमें एक गुंजाइश है इसको फ्रेंचाइज बनाने की, तो बन गई। तो उसके पीछे ऐसे कोई सोच नहीं थी, ये सब डेस्टिनी है ऊपर वाले और हम लोगों की मेहनत है सबकी। और ऑफकोर्स जैसे आपने बोला था कि गुंजाइश थी कि स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए, राहुल सर अब आपसे पूछना है, गुंजाइश स्टार्ट हुई रणदीप हुड्डा के साथ पहली वाली में, फिर आए इरफान खान, देन यू वांट टू मेक द थर्ड पार्ट। कितना मुश्किल या आसान था टू कन्विंस दिस जेंटलमैन हियर टू प्ले द गैंगस्टर इन द थर्ड पार्ट? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, उसके पीछे दो कारण हैं। एक, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक कंफर्ट लेवल था। दूसरा, आई थिंक इनको मालूम था द वर्ल्ड ऑफ साई बीबी गैंगस्टर। हमने जब पहली दफा मैंने बात करी, हमारे पास कहानी भी नहीं थी, सिर्फ वर्ल्ड था साई बीबी और गैंगस्टर का। और तिग्मांशु का काम उनको बहुत पसंद था, हम लोग एक फिल्म ऑलरेडी बना रहे थे, तो एक कंफर्ट लेवल था। और उसके बाद जैसे ही कहानी बनी, इन्होंने तो पहले दिन से यहाँ तक, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ऑल्सो आई थिंक बिकॉज अगर आप देखें तो गिनती के फ्रेंचाइज हैं हमारे इंडस्ट्री में, कुछ 10-12 होंगे शायद, उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंचाइज हैं वो नाम के फ्रेंचाइज, टाइटल के फ्रेंचाइज हैं। कहानी आगे नहीं बढ़ती, कहानी आगे नहीं बढ़ती, और वो जहाँ से पिछला पार्ट खत्म होता है अगले किरदार बदल जाते हैं, कहानी बदल जाती है। तो इनको मालूम था कि ये वैसा फ्रेंचाइज नहीं है, सही मायने में फ्रेंचाइज साई बीबी गैंगस्टर ही है। तो और ये साई बीबी की दुनिया में उतरे, और इनसे बड़ा गैंगस्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। आई थिंक अब उनको माइक दे देते हैं, बिकॉज सो फर्स्ट ऑफ ऑल huge fan of the anti-hero that you have played. I mean, आप खलनायक की बात करें, आप कांटे की बात करें, प्लान की बात करें, मुसाफिर की बात करें, आपने इतनी सारी फिल्मों में एंटी हीरो प्ले किया है, फिर भी जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास एंड यू नो दैट यू आर प्लेइंग एन एंटी हीरो, आप क्या करते हैं उसमें कि हर बार यू कम अप विद समथिंग सो मेमोरेबल? जैसे इसमें भी आपके जो डायलॉग्स हैं, जो एंड में पंच है, या पूरी जिंदगी का मजा लेने वाला हूँ, क्या चलता है आपके दिमाग में कि मैं इसको कैसे अलग तरीके से अप्रोच करूँ? पहले तो डायलॉग्स और स्क्रिप्ट तीशु ने लिखी, और कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं, और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन शायद गैंगस्टर मेरे अंदर ही है। आई मीन, और लोगों ने काफ़ी कहा भी था जब से मैं निकला था जेल से कि गैंगस्टर चाहिए, तो और ये पॉलिश गैंगस्टर है, खानदानी आदमी है, तो बहुत मजा आता है। चित्रांगदा, यू आर नाउ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फ्रेंचाइज, ऑफ कोर्स संजय सर का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, देयर इज तिग्मांशु, देयर इज राहुल, देयर इज राजू सर,
मैं ये पूछना चाह रहा आपकी पहली फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी वाज आल्सो अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, जिसमें समझ नहीं आ रहा था आर यू ग्रे आर यू ब्लैक और वाइट, लेकिन इसमें भी मेरे को सेम समझ नहीं आ रहा है. नॉर्मल नॉर्मल पीपल, दैट्स हाउ वी ऑल आर, aren't we? सो व्हाट इज प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर कूलर देन प्लेइंग अ गुड कैरेक्टर और अ बैड कैरेक्टर आउटराइट? आई थिंक इट्स स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू आर बीइंग रियल, यू नो, बिकॉज़ इफ यू आर ऑल द टाइम good or all the time bad, ek to wo perfection gets a little boring after a point, and I think that's why this particular film is so interesting. And hum teesri tak yahan pe shayad isliye pahunche hain, people have loved it so much because people enjoy watching the gray, you know, because I think those so many thousand shades of gray that we have are far more interesting than the black and white. And yeah, I think you will see that, you just saw that in the trailer. Yes. So yeah, दीपक सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनहेलर वाली चीज बहुत जरूरी थी मेरे लिए. सर, आई वांट टू आस्क यू, अब यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर टू डेकेड्स एंड मोर, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ 90s में दिस मैन स्टार्टिंग वाज समवेयर एल्स, हम लोग सुन के आए हैं, वी हैव हर्ड टेल्स, नाउ व्हेन यू वर्क ऑन अ सेट ऑन अ फिल्म इनके साथ, ये जो दो डेकेड्स में आपने डिफरेंस देखा है इन मे बी संजय दत्त द ह्यूमन बीइंग द पर्सन, बातचीत हुई सेट पे इस बारे में? आई एम श्योर हुई होगी. संजू एंड मी गो बैक इनटू 90s एंड आई ऑलवेज लव्ड दिस मैन, इज इनक्रेडिबल लाइफ एंड ऑफ कोर्स नाउ वी ऑल विटनेसिंग इट, बट ही इज ऑलवेज बीन द ग्रेट पर्सन एंड द ग्रेट फ्रेंड दैट ही वाज इन 90s. एंड सो when we met after so many years on the set again, the magic was absolutely there. It was like we never really passed those years that we never met. It was all taking it back as if we were just together yesterday. So that, I think that's amazing about Sanju, which was wonderful. He made me feel so comfortable and so loving, and it was absolutely great. And I'm absolutely thankful to, you know, be a part of this franchise again, which is absolutely a shocker, because main tishu ke pas chai peene gaya tha because I always loved his work, and I maine daadi thodi bada li thi, and I just went over there, and then, you know, while he was talking to me, isne kuch photographs le li baat karte karte apne phone mein, and then he and Rahul bhai suddenly sat together, and one fine day I get a call that, you know, there's this movie that we are making and it's a franchise with Sanju and you are to play his younger brother. So I say it's like almost like a dream come true, you know, I'm working with the best guys that I want to work with, and I'm getting to play Sanju's younger brother. So I think it was wonderful. I'm thankful to Raju ji also and everybody out here who's made me a part of this franchise. Thanks a lot. So around 12:15 hum niche khade hue the and we were just waiting, and us time pe Deep sir jo hai unhone entry mari. I think 8 saal mein maine pehli baar unko haste hue dekha tha, because I think he's still in character. Thank you sir, please hasiye. Aise hi roles milte hain man. Sir, serious roles. Ye Tishu sir ne aapko jo role diya hai right from the first part, सर इतने कम डायलॉग्स होने के बावजूद, बिकॉज इसमें आपका जो कैरेक्टर है वो उतनी बात नहीं करता है जितनी शायद बाकी सारे कैरेक्टर्स, बट येट सो मेमोरेबल, आप तिशु सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज ये एक डायरेक्टर की सोच, विदाउट डायलॉग्स इतने सारे, समबडी सो मेमोरेबल. तिशु को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और साहेब बीबी गैंगस्टर में मुझे पहली बार मौका मिला तिशु के साथ काम करने का, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ तिशु का. तो ये रोल मुझे मिला तो वैसे जब बताया गया तो ऐसे ही था कि साहेब का हंचमैन है, तो मैंने किया. मैं मुझे तिशु के ऊपर पूरा ट्रस्ट था, मैंने दिलो जान से वो रोल किया, तिशु ने जैसा करवाया मैंने वैसा ही किया, और बाद में उसका वो इम्पैक्ट आया, वो डायरेक्टर का कमाल है और मेरा कुछ नहीं. वंडरफुल. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं, तो अब आई एम श्योर के बहुत सारे सवाल यहाँ से आने वाले हैं. तो ये एक चीज मैं हमेशा फॉलो करता हूं, सो शुड आई स्टार्ट लाइक हाउ आई ऑलवेज स्टार्ट, आलोक